जिस पेशेंट के लिए हम आए थे ब्लड डोनेट करने के लिए, वो इस खिड़की के सामने है। मतलब ये आपातकालीन इमरजेंसी जो आप देख रहे हैं जो वार्ड है इसमें एडमिट है, और ये पीएमसीएच का बिल्डिंग है। ये आपको पीएमसीएच का बैक साइड का है, मतलब साइड का व्यू है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिव प्रकाश और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। इस वक्त हम लोग हैं पीएमसीएच में। ये देखिए, ये धनबाद का पीएमसीएच है और यहाँ पे आए हैं। मैंने 9 मार्च को पहला ब्लड डोनेट किया था और ये दूसरी बार मेरे घर तरफ के एक भैया हैं, उनकी माँ का तबीयत खराब है तो उन्होंने कहा ब्लड की जरूरत है, तो मैं चाह ही रहा था ब्लड डोनेट करने के लिए, तो फिर से मौका मिला है ब्लड डोनेट करने का, तो ये मौका मैं गंवाना नहीं चाहता हूँ और मैं आ गया हूँ पीएमसीएच। वीडियो का मकसद बस ये है कि लोगों को मोटिवेट करना कि भाई जब ब्लड डोनेट करें, क्योंकि देखो अब जब हमें ज़रूरत हो, जब किसी और को देने का होता है ब्लड तो हम लोग बहाना कर लेते हैं कि नहीं देना है ये वो, लेकिन जब अपने पे बात आती है तो बहुत ज़रूरी पड़ जाता है। तो भाई जब तक आप दूसरे को ब्लड दोगे नहीं तो फिर अपने आप के लिए भी ये उम्मीद मत करो कि हमें भी कोई ब्लड देने के लिए खड़ा होगा। तो भाई इस वीडियो के माध्यम से यही कहेंगे कि जब भी किसी को ज़रूरत पड़े तो ब्लड देने के लिए हमेशा खड़े रहो। तो चलिए देखिए, हम लोग पहुँच चुके हैं पीएमसीएच और यहाँ पर जाते हैं ब्लड डोनेट कैसे होता है, क्या होता है, वो सारा कुछ इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। ये भैया है हमारे साथ, इनकी माँ की तबीयत खराब। अभी अपना नाम बताइए। मेरा नाम अरुण, अरुण नाम है और ये मेरे घर तरफ ही रहते हैं। जो भी प्रोसेस होता है अगर रिकॉर्ड करने मिला अंदर में तो रिकॉर्ड करेंगे और आपको जरूर दिखाएंगे। फ्रेंड्स, इस वक्त हम लोग हैं पीएमसीएच है और यहाँ पे ब्लड डोनेट कर रहा था किसी पेशेंट को, जरूरी था। यहाँ पे देख सकते ब्लड डोनेट का काम हो गया। ये सेकंड टाइम था, फर्स्ट टाइम आयुष फाउंडेशन के तहत किए थे और ये सेकंड टाइम यहाँ पे है, एक ही ब्लड दिए। चलिए जो भी एक्सपीरियंस है बाहर शेयर करेंगे। फ्रेंड्स यहाँ पे बैठे हुए हैं, ब्लड दे दिया और यहाँ पे रेस्ट कर रहे हैं थोड़ा देर, थोड़ा रेस्ट करने के बाद फिर घर पे। फ्रेंड्स आज है इंटरनेशनल योगा डे और मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ इस दिन मुझे ब्लड डोनेट करने का। ये सेकंड टाइम है और ऐसा नहीं है कि मैं दिखा रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आप लोगों को दिखाना चाह रहा हूँ कि मैं ब्लड डोनेट किया। ये इसका दिखाने का मकसद बस ये है कि मैं लोगों को इंस्पायर करना चाहता हूँ। हो सकता है कि मैं कोई एक्टर नहीं हूँ, मैं कोई नेता नहीं हूँ, कोई सेलिब्रिटी नहीं हूँ, लेकिन हो सकता है कि मेरे इस प्रयास से आप लोग या कुछ लोग जो मेरे वीडियो को देखेंगे हो सकता है कुछ समझेंगे। हर चीज़ का दो पहलू होता है। अगर आप निगेटिव पॉइंट से इस वीडियो को लेंगे तो हो सकता है आप बोलेंगे कि दिखावा कर रहा है, लेकिन अगर आप पॉजिटिव थिंकिंग से इस वीडियो को लेंगे तो हो सकता है कुछ सीखने को मिलेगा कि ब्लड देना चाहिए। क्योंकि देखो जब हमें खुद का ज़रूरत पड़ता है तो हम ब्लड ढूंढते हैं ब्लड बैंक में, अपने रिलेटिव को, अपने दोस्तों को बोलते हैं कि भाई ब्लड दो, लेकिन कोई देने के लिए तैयार नहीं होता। बहुत लोग होते हैं, बहुत लोग नहीं होते हैं, अपने अपनी मानसिकता के हिसाब से, लेकिन जब किसी और को देना पड़ता है तो हम लोग तैयार नहीं होते है ना, लेकिन जब खुद का जरूरत होता है तो हम लोग ब्लड के लिए काफ़ी रिक्वेस्ट करते हैं। तो जैसा हम देंगे वैसा ही मुझे मिलेगा, हमें मिलेगा, तो ब्लड देना चाहिए। और जब तक हम किसी का भला नहीं करेंगे तो हमारा भला नहीं होगा। तो इस वीडियो के माध्यम से हम बस यही कहना चाहेंगे, आप लोगों को समझाना चाहेंगे। काफ़ी उम्र में आपसे हो सकता है, आपसे किसी व्यूअर से मैं छोटा हूँ, किसी व्यूअर से मैं बड़ा भी हूँ, तो अपने हिसाब से अपनी मानसिकता के हिसाब से मैं ये कहना चाहूँगा कि ब्लड डोनेट करें और समाज में अच्छा काम करें, एक अच्छा पहचान बनाए। जैसा करेंगे वैसा ही मिलेगा। तो इसी शब्दों के साथ, बहुत बोलने के लिए तो बहुत कुछ है लेकिन इसी शब्दों के साथ मैं इस वीडियो को यहीं लास्ट करता हूँ। आप सबका धन्यवाद मेरे इस वीडियो को देखने के लिए और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ब्लड डोनेट करें और दूसरों की ज़िंदगी सेव करें।